ये हमारा ड्रोन जो कि उड़ रहा है प्रॉपर कंडीशन में। हेलो एंड व्हाट्सअप, क्या बोलती है आमसी मुंबई की पब्लिक। तो आज अपन बताने वाले हैं आपको कि ये जो DJI मिनी का रिमोट है इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि मैंने कुछ एक आध महीने से यूज़ नहीं किया था इसको। जब मैंने इसको चार्ज पे लगाया ना तो इसका चार्जिंग चढ़ नहीं रहा था और ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसका एक बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है, जो कि मैंने इसको ओपन किया था। ओपन करने के बाद में सारी चीज़ें चेक कर ली। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो कि इंडिया के अंदर इसको रिपेयर किया जा सके। अब रिपेयर ना करने के बाद में इसमें दूसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है अपने को कि या तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो या तो फिर दूसरा रिमोट खरीदना पड़ेगा आपको। एंड रिमोट की कॉस्टिंग है कुछ 20,000 रुपीज़। एंड सेकेंड में अगर इनकेस आपको कोई दूसरा रिमोट मिलता है तो वो अराउंड 10,000 के आसपास कॉस्टिंग करता है। तो इसमें एक सॉल्यूशन मैंने बहुत ईजी सा निकाला ये, जिससे ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद में आपको कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो रिमोट है, बेसिकली ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है वो भी मैंने फाइंड आउट किया है। तो ये प्रॉब्लम इसके लिए आती है बिकॉज इसका चार्जर जो होता है वो 5 वोल्ट का होता है। 5 वोल्ट का चार्जर इसके लिए ऑलरेडी जो कंपनी ने दिया होता है वो यूज़ करना होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है तो हम लोग इसको मोबाइल से, मोबाइल का जो चार्जर होता है वो नॉर्मली 10 वॉट तक जाता है। अभी 30 वॉट, 55 वॉट, 150 वॉट तक का चार्जर आ गया है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये इनपुट ज़्यादा देता है, इनपुट ज़्यादा देने के वजह से इसका जो पावर IC होता है, 2 IC लगी होती है, जो एक बैटरी आपको ये साइड में दिया होता है एंड सेकेंड बैटरी ये साइड में दिया होता है, ये दोनों बैटरी को चार्ज करता है, वो यहाँ से कन्वर्ट करता है 5 वॉट और वो अराउंड 4 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे जाके वो चार्ज स्टोर करता है। तो हम लोग जब इसको ज़्यादा पावर दे देते हैं ना तो वो IC छोटी सी होती है, वो उड़ जाती है। जब वो उड़ जाती है तो उसके बाद में वो चार्ज ले नहीं पाता है। तो मैंने YouTube पे भी सर्च किया था जिसमें मेरे को कुछ वीडियोज़ ऐसी मिली जिसपे लोगों ने यहाँ से ये जो इसका पोर्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखो, ये निकाल के यहाँ से वायरिंग निकाल के उसको अलग से चार्ज करने का ऑप्शन बना के रखा है। बट अब इसमें क्या है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इजी वे में इसमें काम करेंगे। इजी वे ये है इसका कि जैसे अपने को ये है रिमोट कंट्रोल, तो अपने को ये इसके साथ में, ये देखो, ये पहला तो ये है रिमोट, ये रिमोट आता है। दूसरा ये फ्लाई मोड कॉम्बो में ये आता है, 3 बैटरीज होती है जिसमें, और ये इसका चार्जर है, चार्जर केसिंग के साथ में है, ये एक साथ में तीनों बैटरीज जो होती है इसको, ये तीनों बैटरीज आप ध्यान से देख लो, ये देखो, ये एक सेकेंड ये ब्लर हो रहा है इतना, ये तीनों बैटरीज है, ये तीनों बैटरीज को चार्ज करता है। और इसमें भी दिया हुआ है आपको Type-C का पोर्ट, देखा, Type-C का पोर्ट दिया है, एक USB का हब दिया है, USB 2.0 है आउटपुट है जिसमें। और उसके बाद थर्ड आपको जो दिया जाता है वो ये DJI का ड्रोन, ये ड्रोन देखो, देखा, ये ड्रोन आपको मिलता है ये साथ में। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम लोग ये अगर यूजलेस हो गया, ये काम में नहीं आ रहा है आपके, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं दूसरा, या तो रिपेयर के लिए। इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर नहीं है, कोई ऑथोराइज डीलर नहीं है इसका। तो इसमें एक सिंपल सा ऑप्शन आपको ये करना है कि आप लाइक कोई भी USB का केबल ले सकते हैं। एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, जैसे Type-C का कोई आपके पास केबल होगा तो आपको करना क्या है, Type-C आपके पास में है, एक सेकेंड में निकाल देता हूँ, पास है, USB to Type-C, ये आपको केबल लेना है USB to Type-C में। मेरे पास केबल तो नहीं है, मुझे इतने सारे केबल होने के बावजूद भी नहीं मिलता ना, तो जान मिल जाती है। केबल है बट नॉर्मल केबल है, चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। USB Type-C का केबल चलो हमको मिल गया है, हमारा एक
टाइप सी का केबल जो कि मेरे पास एक केबल था, ये जो कि मुझे मिला था ये GoPro के साथ में, मेरे GoPro के साथ में आया हुआ था डेटा ट्रांसफ़र के लिए। बेसिकली छोटा सा केबल है, ज़्यादा बड़ा केबल नहीं है। तो हमको करना क्या है बेसिकली, ये देखो ये जो रिमोट है, ये रिमोट जब हम ऐसे पावर ऑन कर रहे हैं ना, ये देखो ये पावर ऑन कर रहे हैं तो पावर ऑन नहीं होगा ये, बिकॉज इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, हमको करना क्या है, ये हमारा जो फ्लाई मोर कॉम्बो का है, या तो ये आप यूज़ करते हैं या तो फिर अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन है आपके हाथ में जो कि आप ले सकते हैं, 10,000 mAh का नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है पावर बैंक, वो पावर बैंक ले लीजिए। अब इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है ये केबल के साथ में, और यहाँ से पावर इसका ऑन कर दिया। अब ये जब मैं ऑन करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, हाँ ये देखो इसमें लाइट्स आ गई, ठीक है इसमें लाइट जल रही थी का, हाँ तो ये सारी चीज़ें अब ये ऑन हो चुका है और ये कनेक्ट हो चुका है। अब करना क्या है बेसिकली, ये जो पावर का पोर्ट है ना इसमें चार्जिंग हब का, इसमें इसको ऐसे नॉर्मली अनसेट कर देना। उसके बाद ये देखो यहाँ पर लाइट आ गई है, ये ऑन हो गया। अब ये ऑन होने के बाद में फुल्ली वर्क करेगा, ये देखो ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में ये वर्क करेगा जब तक ये दूसरे पोर्ट में ना इसके चार्ज रहेगा। ये भी पहली बैटरी यूज़ कर रहा है, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड। तो आप नॉर्मली हम लोग ड्रोन कितना यूज़ करते हैं, ड्रोन यूज़ करने के लिए अपने को अराउंड बहुत ज़्यादा लगता है तो 10 से 15 मिनट का फ्लाइट टाइम हमारा होता है और एक बैटरी में मेरा काम हो जाता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा ही आपका चार्ज का इशू है तो आप एक एक्स्ट्रा पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि इससे आपका काम बन जाएगा। इसे ये वर्किंग कंडीशन है, ये वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मुझे 10,000-20,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैसा सॉल्यूशन हर कोई बताता भी नहीं है। आप नॉर्मली जिसको भी कॉल करोगे ना, अब मैं आपको चाहिए तो फ्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि फ्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सेकेंड ना, अब मुझे उसके लिए अपना फ़ोन है जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा इसके रिमोट से। यहाँ पर यार स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से ना मुझे डर लगता है कि कुछ, मेरा ड्रोन एक बार क्रैश हो चुका है घर के पास ही मेरे, क्योंकि वायर्स थी, मैंने वायर्स देखा नहीं। इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, देखो ये गिम्बल रिमूव हो गया। अब इसको पहले तो ऐसे खुलना है, फिर ये यहाँ पर, फिर ये ऐसे, फिर फोर्थ ये ऐसे, ये खुल गया है। ये हमारा DJI का रिमोट है, सॉरी DJI का ड्रोन है। अब ड्रोन के बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है देखो इसमें दिया हुआ है एक आपका माइक्रो SD कार्ड है, और दूसरा एक सी टाइप का चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है जो कि आप डायरेक्टली भी इसमें बैटरी डाल के और डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा ईजी ये होता है कि आप लोग इसको रिमूव करें और केसिंग में डाल के चार्ज कर लें। अब क्या करना है, इसको ये रहा बैटरी का हब, ये रहा बैटरी का हब, ये रही बैटरी, इसको ये देखो यहाँ पर पिन दिया हुआ ऊपर, ये दिख रहा है, देखो ये पिन ऊपर, इसको यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर देना है और ये फिट हो गया। इसके बाद में इसको बंद करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक दो, ये दिखा ये सारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। ये लाइट्स यहाँ पे ऑन हो गई है, ब्लिंक कर रही है, ये देखो। अब मुझे कनेक्ट करना है मेरा फ़ोन, इसके लिए मुझे क्या करना है, बस ये रिमोट का ये स्लाइडर ओपन करना है, ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पर केबल ऑलरेडी लगी होती है, आप निकाल देते हैं या फिर अलग से रखते हैं। मुझे मेरा फ़ोन इसमें फिट करना पड़ेगा, इसमें हमको ओपन करना है DJI का ऐप। ऐप ओपन करने के बाद आपको ये जो केबल है ये केबल अपने फ़ोन पे कनेक्ट करना है और DJI का ऐप जो है उसको ऑन कर देना है। इसमें फाइल ट्रांसफ़र ऑटो मोड पे चले गया और ये रिमोट से हो चुका है कनेक्टेड, ये देख सकते हो आप, दिख रहा है इसमें मेरा वीडियो दिख रहा है यहाँ से। अब जब मैं इसको फ्लाई करूँगा ना तो उसके लिए कौन सी जगह
हमारे पास स्पेस ना होने की वजह से ना थोड़ा सा इशू आता है। आपको मैं बताता हूँ अभी, ए ये मेरा ड्रोन हो गया स्टार्ट। तो ये परफेक्ट कंडीशन में काम कर रहा है और रिमोट को भी कोई इशू नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ से ये चार्ज लगा हुआ है, ये पावर यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ये रिमोट को रिमोट से ट्रांसमिट कर रहा है वो ऑटोमेटिक जो ड्रोन है उसको। अब बहुत इजी वे है ये, अपार्ट फ्रॉम मैंने देखा है कि रिपेयर करना, चेंज करना, दूसरा आरसी खरीदना कोई काम का नहीं है भाई, आपका पैसा सिर्फ बर्बाद होने वाला है। तो वो बर्बादी से बचने के लिए आपको यूज़ करना है अगर आप चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और आगे का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और सबसे मेन चीज़ यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो ये चैनल को, और दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।